द न्यू स्टेट को पढ़ना इसलिए मुश्किल है कि इसका स्टाइल बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मिस्टिकल है, शायराना है, जो फॉलेट की दूसरी किताबों के बिल्कुल बरक्स है। वहाँ बड़ी ठोस अंदाज में बात करती है, शायद इस किताब के मौजू का तकाजा था। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है उसका मेन पॉइंट ये है कि पहली जंग अजीम के बाद, यानी तकरीबन 1918 के करीब, रियासत का तसव्वुर, स्टेट का आइडिया, ये आइडिया ऑफ स्टेट, ये गैर मकबूल हो गया। अगर फ्यूचर में रियासत के आइडिया को आपने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रखना है, तो फिर चार चैलेंजेस को ओवरकम करना है, और ये किताब एक मेथड देती है जिससे वो चैलेंजेस ओवरकम हो जाए। रियासत के आइडिया की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो भी हुकूक मिलते हैं वो रियासत की वजह से मिलते हैं, और आप देख लीजिए कि 100 साल के बाद आज वाकई रियासत का तसव्वुर इतना हमारे सामने कंफ्यूज हो गया है कि हमें ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ। हम ये समझते हैं कि अगर हमें हुकूक नहीं मिल रहे हैं तो उसके बारे में हम शोर मचा दें तो काफी है, उससे साबित हो जाएगा कि हम एजुकेटेड भी हैं, हमें अपने हुकूक का इल्म भी है, लेकिन उससे वो हुकूक मिल तो नहीं जाएंगे। तो असल बात तो ये है कि आपको ये पता हो कि आपने वो हुकूक कैसे हासिल करने हैं एक मुआशरे के तौर पर, वरना तो जिंदा रहने का हक भी रियासत ही से मिलता है, जंगल के कानून में तो ये हक नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो रियासत का तसव्वुर है जो फॉलेट्स ने दिया है उसे वापस लाना जरूरी है, क्योंकि वो अगर वापस नहीं आएगा तो जिंदा रहने का हक भी लोगों से शायद छिन जाए, और ये 100 साल में हुआ है कि हमें ये अंदाजा नहीं रहा है कि हमने अपने हुकूक प्रैक्टिकली लड़ाई झगड़े के बगैर, खून खराबे के बगैर कैसे हासिल करने होते हैं, और ये उस जमाने में लोगों को मालूम होता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इस किताब का थीम है कि ये आपको एक ऐसा मेथड देगी कि जिससे ये चीजें आ जाए। सरमायादारी और मजदूर के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व करना है, जो छोटी कौमें हैं उन्हें आजाद रहने और फिर उस आजादी को मेंटेन करने के काबिल बनाया जाए, एक इंटरनेशनल इदारे की सॉवरेंटी हो ताकि दुनिया में आइंदा जंगे ना हो सके। और चौथी बात यह है कि जो मुल्कों की अपनी पॉलिटिक्स है वो उसकी इसलाह हो सके। फॉलेट एक ऐसा मेथड देती हैं जिसके मदद से ये चारों चैलेंजेस ओवरकम किए जा सके। फॉलेट का जो इंट्रोडक्शन है इस किताब का, द न्यू स्टेट का, वो एक तरह से पूरी किताब का ट्रेलर है। उसमें बड़े खूबसूरत जुमलों में उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी वजाहत नहीं की, हम भी उनकी वजाहत नहीं करेंगे क्योंकि उनमें से हर जुमले पर आगे एक पूरा चैप्टर मौजूद है। ये जो मसाइल इसके शुरू के जुमलों में इन्होंने बयान किए हैं कि सियासी जिंदगी जमूद का शिकार है, सरमाया और मेहनत में जंग है, और दुनिया की कौमें एक दूसरे से झगड़ रही हैं, किसी इंटेलेक्चुअल के पास हम जाएंगे तो वो हमें इसकी बड़ी लंबी चौड़ी वजूहात बताएगा। फॉलेट का तरीका उसके बिल्कुल बरक्स है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कलंदर जुज़ दो हरफे ला इला कुछ भी नहीं रखता, फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। तो फॉलेट के नज़दीक इन तमाम चीज़ों की वजह बड़ी सिंपल ये है कि इंसान ने एक इकट्ठे रहना सीखा नहीं, तो अगर घरों में झगड़ा है तो वो भी इसी वजह से है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है तो वो भी इसी वजह से है, अगर सियासतदान एक दूसरे के गले काट रहे हैं तो वो भी इसी वजह से है, और अगर पड़ोसी आपस में झगड़ रहे हैं या सड़क पे कोई ट्रैफिक के मसले पर दो लोग उलझ पड़े हैं तो भी इसी वजह से। बुनियादी बात यह है कि हमने इकट्ठे रहना सीखा है। 20th सेंचुरी को एक नया प्रिंसिपल दरियाफ्त करना है, एसोसिएशन का, यानी मिलजुल कर काम करने का एक नया प्रिंसिपल। अब वो कहती हैं कि क्राउड फिलोसफी, क्राउड गवर्नमेंट, क्राउड पेट्रियटिज्म मस्ट गो। क्राउड का लफ्ज वो इस्तेमाल करती हैं एक खास मीनिंग में, जो आगे एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो क्राउड किसे कह रही है। भेड़ चाल समझ लीजिए, लेकिन क्राउड पेट्रियोटिज्म क्या है ये अभी हाथ के हाथ में आपको समझा रहे हैं। क्राउड पेट्रियोटिज्म पर मबनी कौमी नगमे। अच्छा, यहाँ मैं इन कौमी नगमों पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, इन्हें बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इनकी कैटेगरी बयान कर रहा, और लोगों ने इसमें से भी बड़ी काम की चीजें निकाली हैं इन नगमों में से भी। लिहाजा पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इन नगमों पर किसी भी किस्म की तनकीद मकसद नहीं है, आपने भी नहीं करनी है, और इनका जो फर्क है
वो आपको अब पता चलेगा जब हम इनके मुकाबले में बास बिल्कुल दूसरी टाइप के कौमी नगमों की बात करेंगे। देखिए, मौज बढ़े या आंधी आए या जलाए रखना, घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। जब आप कहते हैं ना कि घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो यहाँ एक जबर आ गया, यहाँ एक मजबूरी आ गई। इसमें आपका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, ये है कि चलो जी सब लोग अपने अपने घर की खातिर दुख झेलते हैं तो हम भी झेलें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात ये है कि जब आप ये सुनते हैं कि झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, बिल्कुल अलग फीलिंग होती है। यहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग बराह रास्त इन्वॉल्व हो रही है, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आपके पास एक चॉइस आ रही है कि, और उस चॉइस के लिए मजबूरी नहीं है, कंटिन्यूएशन है। आपकी पूरी हिस्ट्री है कि हमसे पहले कुछ लोगों ने डिसीजन लिया था इस मुल्क को बनाने का, उसकी खातिर तकलीफें उठाने का, ये सोचकर नहीं कि घर तो आखिर अपना है, उन्होंने कुछ और सोचा था। अब उनके बाद हम आए हैं, तो हमने अब ये काम करना है। एक बात यह है कि आप ये दुआ मांगें कि खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना। और यही बात एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं, और वो ये तरीका है कि सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद तुझे। यहां पर क्या हो रहा है, हम देखें आजाद तुझे और इमोर्टैलिटी, जब तक ये दुनिया बाकी है उस वक्त तक ना सिर्फ ये मुल्क आजाद रहे बल्कि हम भी इसे आजाद देख रहे हैं, अपने लिए भी इमोर्टैलिटी की बात मांगी जा, दुआ मांगी जा रही, हमारा कोई उसमें ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जिसकी वजह से हम उसके साथ कयामत तक, हमारी वो कंट्रीब्यूशन उसके साथ चल रही है। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, और इसके मुकाबले में अगर आप देखिए, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके, वही इस्तियारे हैं चांद और फूल के, लेकिन यहाँ किस तरह आ रहे हैं, यहाँ इस तरह आ रहे हैं कि इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है। तो यहाँ जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई वतन जो है वो कोई चांद जैसा और फूल जैसा नहीं हो सकता जब तक के आप उस फूल की खुशबू नहीं बनेंगे और जब तक आप उस चांद की रोशनी नहीं बनेंगे। दिल दिल पाकिस्तान, और अगर आप ये देखें कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, इस नगमे को हमने आज तफसील में जाना है इसकी आज के सेशन में, इसलिए अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा। तो ये न्यू पेट्रियटिज्म की कुछ मिसालें, वो जो नया मेथड ये आपको बताएंगी इस किताब में, वो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है, अभी हम इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं क्योंकि इस पर तो पूरी किताब है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता समझने की चीज है इस किताब के हर चैप्टर के साथ। अच्छा, वो कहती हैं कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ही वो चीज है जो उस दुनिया को तख्लीक करेगी जो हमारे इर्द गिर्द वजूद में आ रही है, हमें उसका एहसास हो रहा है लेकिन हम उसे देखने से कासिर। ये पॉइंट अभी एक बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में रिपीट होने, क्रिएटिव फोर्स कम्स फ्रॉम द ग्रुप। पॉलिट के यहाँ ग्रुप एक खास इस्तला है, ग्रुप से मुराद वो एक ऐसे लोग लेती हैं जो कुछ काम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, किसी वजह के लिए इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर फैसले करते हैं। वो ग्रुप एक अकेला इंसान भी हो सकता है जो अपने अंदर के तजादात को रिजॉल्व करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वो ग्रुप पूरी यूनाइटेड नेशंस भी हो सकती है जो इकट्ठे बैठकर पूरे प्लैनेट के लिए कोई चीज रिजॉल्व करने की कोशिश, वो ग्रुप दो लोग भी हो सकते हैं, लाखों लोग भी हो सकते हैं। पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी या इंटरेस्ट गवर्न अस विद सम फिक्शन ऑफ द कंसेंट ऑफ द गवर्न वगैरह वगैरह, और हम कहते हैं कि जमहूरियत का मतलब यही है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, तो
फिर जो है वो हम उन्हें वोट देते हैं तो हम मुंतखब करते हैं, तो जब हम मुंतखब कर लेते हैं तो वो जमहूरियत हो जाती है। वो कहती हैं कि अभी हमें पता भी नहीं कि जमहूरियत के तसव्वुर का मतलब क्या है, ये सिरे से है ही नहीं। जो जमहूरियत का असल मतलब है वो आपने जिंदगी के खाम मवाद में से तख्लीक करना है, क्रूड ओर ऑफ लाइफ। क्रूड ओर होता है जब जमीन में से कोई मादनियात निकलती हैं, जैसे लोहा, उसके साथ मिट्टी मिली होती है, फिर उन इम्प्योरिटीज को आप अलग करते हैं तो फिर खालिस लोहा निकलता है, फिर उससे स्टील बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह जिंदगी की गहराइयों से आपने जब इम्प्योरिटीज को आप अलग करेंगे तो उसमें से जमहूरियत का असल कॉन्सेप्ट निकलेगा, जो फिलहाल किसी को उसका अलिफ बे नहीं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये बात फॉलेट कह रही है 1918 में, पहली जंग अजीम के एंड पर, और दो साल पहले 1916 में एक और आदमी ने भी यही बात कही थी, और उस आदमी को आप सब जानते हैं, लखनऊ पैक 1916। जिना वहां ये कह रहे थे जो अब आपके सामने है, एलिमेंटल पैशंस, उनकी भट्टी में अब सोना कुंदन बन रहा है, उसे इम्प्योरिटीज से पाक किया जा रहा है। ये पहली जंग अजीम की बात कर रहे हैं, 1916 है, यानी ये जंग अजीम जो है ये एक भट्टी है जिसमें बड़े तकलीफ दे अमल से सोना कुंदन बन रहा है, और जब ये तकलीफ दे अमल खत्म हो चुका होगा तो उस वक्त जो रूह आजाद हुई होगी उसके लिए तकरीबन वैसी ही उसे आजादी और सहूलत होगी जैसी हजरत आदम जब इस दुनिया में आए थे तो उनके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह दुनिया थी कि वो जैसी दुनिया चाहें बनाना शुरू कर दें। वैसा ही हमारे सामने मंजर होगा कि हम फिर से जैसी मर्जी दुनिया चाहें बनाना शुरू कर दें, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करेंगे। अब आप देख रहे हैं हॉट फर्नेस ऑफ एलिमेंटल पैशंस, वहां वो क्रूड ओर ऑफ लाइफ की बात करें, वहां पर उस नई दुनिया में जो जंग के बाद वजूद में आएगी 1918 के बाद, चॉइसेस अनलिमिटेड होंगी और बोल्ड एक्शन की बड़ी सख्त जरूरत होगी कि लोग जो है वो जुर्रत के साथ दबंग फैसले करें और एक्शन लें, और जो आज़ादी ने फतह हासिल की होगी इस पहली जंग अजीम में उसे कंजर्व करने की, उसे महफूज करने की ज़रूरत होगी। जो आज़ाद कौमें हैं उन्हें ज़्यादा आज़ादी के साथ और ज़्यादा भरपूर तौर पर जिंदा रहना सीखना होगा। आज़ादी को खुद आज़ादी को दोबारा ऑर्गेनाइज करना होगा और आज़ादी की सरहदें वसी करनी होंगी और आज़ादी को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपनी हिफाजत कर सके और अपने आप को बढ़ा सके। ये जिन्ना का विजन था 1916। अल्लामा इकबाल, 1923, जंगे अजीम को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं। हकीकत ये पयामे मशरक का दीवाचा है। वहां फॉलेट जो कह रही है कि एक नई दुनिया हमारे इर्द गिर्द वजूद में आ रही है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर देख नहीं सकते, यहाँ भी इकबाल यही कह रहे हैं ना, जिंदगी की गहराइयों में वो क्रूड ओर ऑफ लाइफ आपको याद आ रहा है मैरी पार्कर फॉलेट का, ठीक है, जिंदगी की गहराइयों में फितरत एक नया आदम और उसके रहने के लिए एक नई दुनिया तामीर कर रही है। अगर आप और पढ़ेंगे तो चित्रंजन दास भी यही बात कह रहे थे, आप लॉर्ड हॉल्डेन का दीबाचा अगर पढ़ेंगे न्यू स्टेट का तो वो भी यही बात कह रहे थे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत से लोग थे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो एक ही बात कह रहे थे और उस दुनिया को देख रहे थे जो वजूद में आ। अच्छा, मैं जब ये कौमी नगमों से या फिल्मी नगमों से ये मीनिंग निकालता हूँ तो एक बहुत ही घिसा पटा और फजूल सा सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या आपके ख्याल में जिन्होंने ये लिखा था उन्हें ये पता थी बात। लिटरेचर में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, अगर टेक्स्ट में वो चीज़ मौजूद है तो मौजूद है। शेक्सपियर के ड्रामों के बारे में किसी को नहीं पता कि उसने क्या सोच कर लिखे थे, लोग उनसे मीनिंग निकालते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इस नगमे के बारे में मेरा जवाब, मेरे पास जवाब मौजूद है।
मैं जमीनुद्दीन अली से मिला था उनकी जिंदगी में, मेरी खुशकिस्मती है, और मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, एक नया इंसान दिया इस धरती के रास्ते, ये आपने क्या सोचकर लिखा था? तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने मुताले की वजह से, मुशाहदे की वजह से, बहरहाल वो इस बात उन्हें वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि एक नया इंसान वजूद में आ रहे हैं, और इसलिए उनके दिल से ये दुआ निकली कि वो पाकिस्तान से उसका आगाज हो। तो आप देख सकते हैं कि ये आइडिया सर्वाइव किया है हमारी सोसाइटी में, और इसलिए ये जो फॉलेट की न्यू स्टेट है, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान फॉलेट की न्यू स्टेट है। आपको दुनिया के बाकी पूरे लिटरेचर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि ये आइडिया इस पॉपुलर लेवल पर दुनिया के किसी मुल्क में पहुंचा हो, और उस मुल्क के अजीम तरीन शायरों में से एक जमीलुद्दीन आली मामूली आदमी नहीं थे, उसने लिखा हो, और फिर उस मुल्क में भीख मांगने वाले फकीरों ने भी इस आइडिया को गा गा कर भीख मांगी, इस लेवल तक पहुंचा हो, और स्कॉलर्स ने भी, अब हम आज इसे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जमीलुद्दीन आली जो हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू और क्या क्या मतलब वो स्कॉलरली पोजिशन करते हैं, ये प्रिपरेशन दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं, ओनली पाकिस्तान। ये मेरा फेवरेट कोटेशन है इस किताब में से, और इसीलिए कोर्स के पेज पर भी इसे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये जो हम सियासत को साफ शफाफ करने की बात करते हैं, झक मारते हैं, और ये सब कुछ के जी सियासतदान करप्ट नहीं होगा तो फिर सियासत ठीक हो जाएगी, इंतहाई फजूल बात है। जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि सियासत में जिंदगी की रूह फूंकी जाए एक नए मेथड के जरिए। ये जो हम कोई सादिक और अमीन किसी को समझकर ले आते हैं, मेथड उसके पास कोई भी नहीं होता, उससे आप पूछें कि भाई तुम कैसे इस मुल्क को ठीक करोगे, तो कुछ भी नहीं। तो पॉलिटिक्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहली चीज़ ये है कि उसके अंदर रूह फूंकी जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि नया मेथड आए। तो ये जमहूरी हुकूमत, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, मेजॉरिटी रूल, ये सब सूखे दरख्त हैं। इनकी जगह पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए जो गैर जमाती ग्रुपों की तंजीम हो, ठीक है, कि ऐसे ग्रुप्स छोटे छोटे बहुत से बने जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, और फिर उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए ताकि कॉमन आइडियाज, कॉमन पर्पस और कॉमन विल डिस्कवर की जाए। यहाँ मैं आप पर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनी थी जैसे ये फॉलेट ने कहा है। फॉलेट को शायद मालूम ना रहा हो, वो फॉलेट के ये किताब लिखने से 12 साल पहले वजूद में आ चुकी थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और उसकी तफसील आपको हमारी दूसरी वीडियोज में मिल जाएगी, वरना आप कमेंट्स में पूछ लीजिए तो हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन वो इसी, तो फॉलेट जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है उसकी वाहिद मिसाल मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सूरत में मिलती है। फॉलेट कहती हैं कि हमें इस चीज़ की आदत हो गई है कि हम मैकेनिकल प्रोसेसेस के बड़े शौकीन हो गए। जब मैं मेथड कह रही हूँ तो आप उससे कोई मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल मेथड ना समझें, क्योंकि हम उन बच्चों की तरह से हो गए जो मशीन में सिक्का डालते हैं तो फिर कोई चीज़ निकलती है तो वो खुश हो जाते हैं, तो उसी तरह से हम जाकर बैलेट बॉक्स में वोट डालते हैं तो फिर MNA नया आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम ये कभी पलट कर नहीं पूछते कि जी अच्छा इस सबसे फिर हुआ फ़ायदा क्या हुआ है, वो नहीं। इस थिंकिंग को बदलना होगा और हमें प्लास्टिक लाइफ के लिए तैयार होना होगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन आज हमें बड़ा अजीब लगेगा, फॉलेट प्लास्टिक का लफ्ज फ्लेक्सिबल की सेंस में यूज करती है, फ्लेक्सिबल फ्लूइड, के जिसकी कोई डेफिनेट फॉर्म ना हो एक चीज की लेकिन वो स्पिरिट हो, तो फिर वो किसी भी कोई भी फॉर्म इख्तियार कर सके वो स्पिरिट, इस सेंस में ये प्लास्टिक का वर्ड यूज करती हैं और पॉजिटिव सेंस में करती हैं। आज हम शायद प्लास्टिक लाइफ कहें तो हम उसे आर्टिफिशियल की सेंस में लें, वो इस सेंस में नहीं लेती,
वो इस सेंस में लेती हैं कि एक चीज जिसमें स्पिरिट तो है लेकिन उसने कोई फॉर्म अपनी डिफाइन नहीं की है, तो फ्लुइडिटी रेजिलियंस इस सेंस में लेती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये लफ्ज इस किताब में आइंदा भी आएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इंसानों की वहदत है, जो उनकी अंडरलाइंग वहदत, जो नजर नहीं आती मगर अंदर से मौजूद है, जैसे इकबाल ने ऑर्गेनिक यूनिटी कहा है। अच्छा, मैन, पॉलेट बार बार मैन का लफ्ज यूज करेंगी, आजकल हम इसकी बजाय पर्संस, इंडिविजुअल्स, पीपल्स कहेंगे। ये उस जमाने की अंग्रेजी ऐसी होती थी, उसमें ये बात बुरी नहीं समझी जाती थी, अब ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट समझा जाता है। तो फॉलेट जब भी मैन कहें आप उसको समझ लीजिए कि वो औरतों मर्दों दोनों की बात आम तौर पर कर रही होती हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मेथड ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जो इस बात को इंश्योर करे। जरा ये अंडरलाइंड अल्फाज देख लीजिए और हैरान हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो ही कोई सिचुएशन आपके सामने आई पॉइंट में, तो वो सिचुएशन फौरन तमाम लोगों का जो मुश्तरका अकीदा हो, मुश्तरका अकायद हो, उनको ट्रिगर करें, उनको अपील करें और वहां से फटाफट उसका सब एक ही जवाब निकाल। ये है असल डेमोक्रेसी का मैटर। 2014 में जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा पेश आया तो उसके अगले दिन एक ट्रक ड्राइवर ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मैं यहाँ कॉपीराइट की वजह से ये वीडियो शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं उस ट्रक ड्राइवर के अल्फाज अपनी आवाज में आप तक पहुंचा देता हूँ। इनका पैगाम ये था कि अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल पेशावर में जो वाकया सामने हुआ है, हर एक आंख खून के आंसू रो रहा है। मुझे गम की वजह से नींद नहीं आ रही, मेरे साथ वाले ड्राइवर ने खाना खा लिया है लेकिन मैंने नहीं खाया है। किस वजह से? कि आज 126 132 मासूम बच्चे शहीद हुए। किस नाम पे? एक मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। किस वजह से मार रहा है? हम गरीब अवामों को तो कुछ पता नहीं चलता है कि कौन मार रहा है, कहां से मार रहा है, किस नाम से, किस मजहब से मारा जा रहा है। हमें हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये तीर मार लिया है, हमने एटम बम बना लिया है, हमने दहशतगर्दों को खत्म कर दिया। तालिबान कहते हैं ये जो है ना ये मुर्तद है। तालिबान में कोई मर जाए तो वो बोलते हैं हम शहीद। आर्मी वाला कोई मर जाए तो वो बोलते हैं हम शहीद हैं। तो यार काफिर कौन है? काफिर हम आवाम हैं, तुम लोग शहीद हो। सरकार हुक्मरान कहती है कि हमने दहशतगर्दों को खत्म कर दिया है। आप तालिबान को दहशतगर्द कह रहे हैं, तालिबान आपको दहशतगर्द कह रहे हैं। दरमियान में मर रहे हैं कौन? शहीद हो रहे हैं कौन? बेगुनाह मासूम बच्चे, बेगुनाह आवाम। किस वजह से यार ये मुसलमान किस साइड पे जा रहे हैं? यार मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। सबसे पहले मैं इमरान खान पे तंकीद करता हूँ कि खान साहब खुदा और रसूल के वास्ते, नवाज शरीफ चार हलके खोलने को उसको मोतबर किया है तो खुदा और रसूल के वास्ते आप उसको छोड़ दें। उसको जो करना है कर लेने दें, उसने जितना करना है कर ले, ज्यादा से ज्यादा 5 साल वो करेगा, उसके आगे वो नहीं कर सकेगा। पूरा पाकिस्तान उठ गया है उसके खिलाफ। खुदा के लिए खान साहब उसका पीछा छोड़ दें और एक मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस करके उसमें सब मुसलमानों को, सब जमातों को, सूबाई मरकजी वजीर आजम सबको, सब हुक्मरानों को एक ही कॉन्फ्रेंस में बिठा के एक ही कुरान के सामने एक ही फैसला करें कि हमने तालिबान को भी बिठा दें, जो भी है नामी ग्रामी मुसलमान सबको बिठा दें और एक कलिमा को हो जाएं और एक कुरान को मानने वाले और एक अल्लाह और रसूल को मानने की खातिर इस खून की दरिया को बंद कर दें। जो भी है नामी ग्रामी मुसलमान सबको बिठा दें और एक कलिमा को हो जाएं और एक कुरान को मानने और एक अल्लाह और रसूल को मानने की खातिर इस खून की दरिया को बंद करें, हमसे और नहीं देखा जाता। 2 घंटों से मैं वक्फे वक्फे से रो रहा हूँ। किस वजह से रो रहा हूँ? इनमें मेरा कोई भी बच्चा नहीं था,
इनमें मेरा कोई भी भाई नहीं था सगा, लेकिन आखिर उन माओ बहनों पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगी कि मेरे बेटे आएंगे स्कूल से छुट्टी लेके। इसी तरह अगर तालिबानों के बच्चे भी गए थे, वो भी सोचेंगे कि हमारे बच्चे गए, बेगुनाह शहीद हो गए। उनका ये मौकफ है, आप लोगों का ये मौकफ है, दरमियान में बेगुनाह लोग मर रहे हैं। खुदा और रसूल के लिए इस खून की नदी को बंद कर दें, बंद कर दें इस खून की नदिया को। और तीसरा, तुम लोगों में जो भी है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमरीका है, जो भी है, तीसरे को मात दो और उसको बोलो कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं। और उसको बोल दो कि हम वही मुसलमान हैं जो 313 थे और 1300 को हमने शिकस्त की थी। हम सब हुक्मरानों को खुदा और रसूल का वास्ता देते हैं कि इस खून की नदी को बंद कर दें। ये वीडियो इस चीज की एक उम्दा मिसाल बन जाती है, जिसे फॉलोट कहती है, कि हालात का बराह रास्त रद्द अमल आपके ईमान के साथ। और फॉलेट के लिहाज से जमहूरी तरीका जो भी हो वो ऐसा होना चाहिए जो इस किस्म का रद्द अमल पैदा कर सके। जमहूरियत का अगर आपने मतलब ये समझ लिया है ना कि वो डब्बे में वोट डालना जमहूरियत है, तो इसी तस्वुर को आपके जेन से निकालने के लिए फॉलेट ने ये किताब लिखी। और फिर वो कहती हैं कि असल में हमें एक इंडिविजुअल को दरियाफ्त करना है। डेमोक्रेसी, हुकूमत, ये सब चीज़ें सक्सीड नहीं होंगी जब तक हम इंडिविजुअल को दरियाफ्त नहीं कर दें। असल चीज़ जो है वो फ़र्द है, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल से मुराद पर्टिकुलरिस्ट इंडिविजुअल नहीं है। ये टर्म प्लीज नोट कर लीजिए, पर्टिकुलरिस्ट है। तो इंडिविजुअल से मुराद ये नहीं है कि वो वाला इंडिविजुअल जो कहता है कि बस मुझे मेरे राइट्स मिल जाएं, बाकी रियासत जाए भाड़ में, वो वाला इंडिविजुअल नहीं। किस किस्म का इंडिविजुअल? ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस इंट्रोडक्शन में, हमारी सोच में। असल बात यह है कि आप में क्या सिफात होनी चाहिए इंडिविजुअली आप। जमहूरियत रियासत उस पर डिपेंड कर। फॉलेट जो मेथड बताएंगी वो मेथड आपने अप्लाई करना हो, वो मेथड आपने किसी बड़े सियासतदान के पास ले जाकर नहीं कहना होगा कि जी ये मेथड फॉलेट की किताब से निकला था तो आप इसे अप्लाई करें। नहीं, वो मेथड आपने अप्लाई करना होगा अपने घर में, अपने मोहल्ले में सब्जी खरीदते हुए, तो वहां से फिर वो जमहूरियत कंस्ट्रक्ट होगी। आपने क्या तब्दीली आनी चाहिए जमहूरियत को, रियासत को, इंसानियत को, दुनिया को? कैसा इंसान चाहिए? वो जिसे अल्लामा इकबाल नया इंसान, नया आदम कह रहे हैं, जिसे अल्लन फकीर और जमीउद्दीन आली कह रहे हैं नया इंसान। अब फॉलेट उसकी तरफ आ रहे। इसी जमाने में कहा जाता था कि एक आदमी एक वोट, लेकिन अब हमें ये देखने की जरूरत है कि हर वोट तमाम जो है वो एक आदमी का नहीं, बल्कि वो उससे बहुत ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक इंसान जो है वो महज एक वोट नहीं है, वो किसी मशीन का एक पुर्जा नहीं है, बल्कि हर इंसान एक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कौम है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर इंसान पूरे सब इंसानों का मजमुआ है। इसको आप सीमुर्ग वाली कहानी भी आपको याद होगी जो पिछले सेशन में शेयर की गई थी। ये सीमुर्ग का तसव्वुर हमारे मुआशरे में अब तक सर्वाइव करता आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जीवे पाकिस्तान पूरा नगमा सीमुर्ग के बारे में ही बन जाता है। ये खुद कह रही हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, आप तो तसव्वुफ की बात कर रही हैं, मिस्टिसिज्म। तो फिर ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि नहीं जी, ये हमारी पूरी जिंदगी को अगर हम स्टडी करें तो उसमें से यही उसूल निकलते हैं। जमहूरियत जमानो मकान की कैद से आज़ाद है, इसे सिवाय एक रूहानी कुव्वत के और किसी तरह समझा नहीं जा सकता। आप इन अल्फाज की क्लैरिटी देख रहे हैं, आप ये इसरार देख रहे हैं, इट कैन नेवर बी अंडरस्टूड एक्सेप्ट एज ए स्पिरिचुअल। नेवर का मतलब ये है कि ना 1918 में इसे स्पिरिचुअल फोर्स के अलावा किसी और तरह समझा जा सकता था, ना 2023 में, ना एरिस्टोटल के जमाने में, ना किसी और जमाने में।
और फिर अब आप जरा गौर कीजिए कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस ये सिलेबसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं दुनिया में, पार्लियामेंट्स हैं, उनमें से कितनी जमहूरियत को एक स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर समझने के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि आप अगर उन्हें जमहूरियत एक स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर समझाना, आप जाकर कहें कि जी आइए जमहूरियत को एक स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से कितने होंगे जो कहेंगे कि अच्छा चलें ठीक है करते हैं कोशिश, और कितने होंगे जो अबू जहल की तरह कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, तुम हमारे 360 बुतों को किस तरह से बुरा कह रहे हो। और फिर आप सोचिए कि क्या पॉलिट के लिहाज से क्या इनमें से कोई एक शख्स भी जमहूरियत को समझने के काबिल गुजरा है? हमारी पिछली कई डेकेड्स में दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब तक हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्वेश्चन करने की मॉरल करेज पैदा नहीं करते इसकी बुनियाद पर, उस वक्त तक हम महज कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। ये काफ़ी नहीं है कि हमें अपनी राय के इजहार की आज़ादी हो, असल बात यह है कि हमें ये सीखना होगा कि आज़ाद राय कैसे होती है, हम आज़ाद राय देने के काबिल कैसे हो सकते हैं। वो राय जो वाकई आज़ाद है, पहले वो राय देने के काबिल बन जाएं, फिर उसके बाद देखेंगे कि राय की के इजहार की आज़ादी जो है वो कहाँ है। हुकूक हमें मिलते नहीं हैं, ना कोई देता है ना कोई दे सकता है, हुकूक हम तख्लीक करते हैं, हुकूक हम क्रिएट करते हैं। ये जो है कि जी आइन में हुकूक लिख दिए गए हैं, उससे क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी लिखे गए हैं, वो रियलिटी कैसे बनेंगे उसमें हर शख्स को हिस्सा लेना पड़ता है। ये फॉलेट हमारी थिंकिंग में चेंज लाना चाहती हैं, और ये इस किताब के अंदर फिर चैप्टर्स होंगे जहां पर हम जो है वो देखेंगे इन चीज़ों को तफसील में। फिर प्लूरलिज्म की हम बहुत बात करते हैं, प्लूरलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि सोसाइटी में हर किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो हों, उन सबको अपनी अपनी आज़ादी हो, एक सोसाइटी जो इस बात को वेलकम करे कि वहाँ डाइवर्सिटी हो, वहाँ पे हर मज़हब नस्ल रंग जबान के बोलने वाले लोग हों, तो वो प्लूरलिस्ट सोसाइटी कहलाती है। अच्छा, प्लूरलिज्म को पॉलेट्स ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, उसकी बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन वो एक उस पर एतराज़ उठाती है, और वो ये उठाती हैं एतराज़ कि प्लूरलिज्म हमें ये नहीं बताता कि अच्छा इस डाइवर्सिटी का करना क्या है। तो इसलिए ये जो हम प्लूरलिस्टिक मुआशरा कहते हैं, ज़रा इस फैशन से प्लीज़ गुरेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लूरलिस्ट होना किसी सोसाइटी का अपनी जगह कोई मीनिंग नहीं रखता है। ये तो ऐसे है ना जैसे बच्चा खुश हो कि जी मेरे पास पहले 5 रंग के कंचे थे तो अब मेरे पास 8 रंग के आ गए, मेरे पास 12 रंगों की गेंदें हैं, तो दूसरा बच्चा कह के मेरे पास 15 रंगों की गेंदें हैं, तो उससे करना क्या है आपने? मतलब वो आपकी 12 गेंदें अगर सब सफ़ेद होती तो तब भी आप गेंद खेल सकते थे, अगर वो अलग अलग रंग की हैं तो आप तब भी खेल सकते हैं, तो इससे मिल क्या रहा है? तो ये जो हम एक्वेरियम में इतने रंगों की मछलियां आ गईं, तो उसी तरह आपकी सोसाइटी में जो है वो इतनी तरह की ये इतने रंगों के लोग आ गए, तो ये लोगों को आपने एक्वेरियम में जमा की हुई मछलियों की तरह से खुश होना है उन्हें देख देख कर, ये रंग बिरंगे लोग फिर रहे हैं मेरे मुल्क में, या वो, या आपने उसका कुछ करना है? तो वो जवाब प्लूरलिज्म नहीं देता कि ये जो डाइवर्सिटी है बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी कोई हम इस पर तनकीद तो करने का सवाल ही नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं है इस पर कोई भी तनकीद, ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसको फैटिश बनाकर इस पर रुक नहीं जाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जी इसका पर्पस क्या है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि इतने मज़हब इतने रंग इतनी नस्लों के लोग हमारे मुल्क में इकट्ठे कर दिए, तो अब अल्लाह के इस एहसान का शुक्र कैसे अदा करना है, इससे क्या मकसद कुदरत ने पूरा करना था, वो मकसद कैसे पूरा किया जाए, ये सोचने की बात है, और ये सोचना आपको कोई प्लूरलिस्ट थिंकर नहीं बताता है, वो यहाँ पर आपको पॉलिट से सीखना पड़ेगा। आपने अगर आज के सेशन से कोई एक चीज सीख कर जानी है तो वो ये स्लाइड है, वो जो हमने बात शुरू की थी कि रियासत हर शख्स रियासत है, आप रियासत हैं, और किसी एक
वक्त नहीं, हर लम्हे आप रियासत। ये नहीं कि जब आप ये फील पेट्रियोटिक फील कर रहे हो उस वक्त आप रियासत हैं, आप हर लम्हे रियासत हैं। वो बन रही है आपके जरिए, बिगड़ रही है। वो जो सड़क के किनारे भिखारी पड़ा है वो भी पाकिस्तान है, वो भी रियासत है, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान वहां पड़ा हुआ है। ठीक है, हर शख्स अपनी जिंदगी के हर लम्हे रियासत है। जब वो रोजी कमा रहा होता है तब भी वो रियासत होता है, जब वो दूसरों से मिलजुल रहा होता है, दोस्तों में बैठा होता है, फैमिली में होते हैं, तब भी वो रियासत है। और इस तरह से खुद रियासत जो है वो ये रंग बिरंगी जिंदगी गुजार रही है, और इस जिंदगी में खुद रियासत अपने आप को जाहिर कर रही है अपने सबसे ज्यादा बेबस बेसहारा गिरे पड़े शहरी में भी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से वो अपनी पार्लियामेंट में अपने आप को जाहिर करती है। आपकी पार्लियामेंट जिस तरह से आपकी रियासत की अलामत है, या आपकी रियासत का कोई भी और इदारा जिस तरह से आपकी रियासत को जाहिर करता है, बिल्कुल उसी तरह 100% उसी तरीके से आप ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ फकीर ही उस रियासत को जाहिर करता है। यानी किसी भी रियासत का जो सबसे ज्यादा लोएस्ट दर्जे पर शहरी है वो, और उस रियासत की पार्लियामेंट, ये दोनों एक ही चीज के दो रूप, एक ही चीज के दो रूप। और रियासत दोनों में अपने आप को जाहिर कर रही है। और पॉलिट ये कोई आपको आइडियल नहीं बता रही है कि ये ऐसा होना चाहिए, ना ऐसा है, ये वो आपको एक कुदरत का कानून बता रही है। इसे रिकॉग्नाइज करना है, इसे, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये आइडियल नहीं है, ये रियलिटी है। इसे रिकॉग्नाइज करना है तो फिर आप अचीव करेंगे चीजें, फिर आप एक परफेक्ट सोसाइटी बना सकते। देखिए ना, न्यूटन ने कुछ लॉज बताए नेचर के, चीज जमीन पे गिरती है, ग्रेविटी होती है, उस एक्सेलरेशन होती है, ये सब चीजें उसने लॉज बताए, उन लॉज को रियलाइज किया, फिर इन्वेंशंस हुई, फिर चीजें बनी और दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। तो साइंस के आप लॉज को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पर आप इन्वेंशन करते हैं। ये उन्होंने आपको लॉ बता दिया है जो ह्यूमन सोसाइटी में ऑपरेट कर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से न्यूटन के लॉज और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो ऑपरेट कर, तो बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप एक चीज को छोड़ेंगे तो वो जमीन पे गिरेगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये एक फैक्ट है कि रियासत अपने आप को जिस तरह अपनी पार्लियामेंट में जाहिर करती है उसी तरह अपनी अपने हकीर तरीन शहरी में वो जाहिर करती है। आपकी पार्लियामेंट में और आपके सड़क पर पड़े हुए फकीर में कोई फर्क नहीं, दोनों रियासत हैं, पूरी पूरी रियासत अपनी जगह, इन सब से मिलकर भी रियासत बनी है, लेकिन ये सब अपनी जगह पर अकेले भी रियासत। ये एक फैक्ट है जिंदगी का, जिसे जिस हद तक आप रिकॉग्नाइज करेंगे उस हद तक आपकी आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी, इंफरादी तौर पर भी और मुआशरा। बाकी पूरी किताब आपको बताएगी कि अगर आप ये फैक्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं तो अब इसकी बुनियाद पर हम किस तरह से हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो मेथड क्या है।